क्लास 10th चैप्टर है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम और पेज नंबर है 170। तो टॉपिक है हमारा फीटल मेम्ब्रेन्स। तो बच्चे फीटल क्या होता है? फीटल होता है जो बेबी होता है, फीटस होता है, मींस जो मदर के यूट्रस में होता है उसको हम फीटस बोलते हैं। और उसकी मेम्ब्रेन्स के बारे में हमने रीड करना है। फोर टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक फीटल मेम्ब्रेन्स अकर। कितने टाइप की बोली गई हैं? फोर टाइप्स की मेम्ब्रेन्स होती हैं। दे आर कौन कौन सी हैं? क्रियोन, एमनियन, एलेंटोइस एंड योक सैक। तो ये फोर टाइप की मेम्ब्रेन्स हैं। तो ये एम्ब्रियो एंड फीटल मेम्ब्रेन्स के बारे में बताया गया है इसमें। ये बच्चे दिखाया गया है, ये क्रियोन मेम्ब्रेन है, इसकी जो रेड कलर की ये एक्टिव कैविटी है, एमनियोटिक कैविटी, जिसमें एमनियन पाया जाता है, मीन्स एक तरह का फ्लूड पाया जाता है। और ये एम्ब्रियो दिखाया गया आपको, ठीक है। और ये ब्लू कलर का जो ये योक सैक है, ठीक है। और ये साइड में है जो ये क्या है? एलेंटोइस। तो क्या लिखा है अब? क्रियोन इज द आउटर फीटल मेम्ब्रेन। करियोन इज़ दी आउटर फीटल मेम्ब्रेन विच गिव्स राइज टू विलाई। तो जो करियोन होती है वो आउटर मेम्ब्रेन है, मतलब बाहरली मेम्ब्रेन है, जो कि क्या करती है? विलाई को राइज करती है, मतलब उनको बनाती है, हेंस करियोनिक विलाई। इसके लिए उनको करियोनिक विलाई भी बोला जाता है। एमनियन, एमनियन इज़ द फीटल मेम्ब्रेन डेट इन्वेस्ट द एम्ब्रियो, इट फॉर्म्स अ फ्लूड फील्ड सैक कॉल्ड एमनियन। ये क्या बनाती है? फ्लूड फील्ड सैक बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एमनियन। अब जो बच्चे एमनियन में एमनियोटिक फ्लूड पाया जाता है, वो फ्लूड क्या करता है? अलाउज फ्रीडम ऑफ लिमिटेड मूवमेंट ऑफ फीटस। ये क्या करता है कि मूवमेंट में हेल्प करता है फीटस की। प्रिवेंट स्टिकिंग ऑफ फीटस टू एमनियन, मींस जो के मतलब फीटस एमनियन से स्टिक ना हो, जुड़े ना, उसको रोकता है। चेक्स जेसिकेशन, प्रोटेक्ट द फीटस फ्रॉम शॉक्स, मीन्स उसको सब तरीके से अच्छे से रखता है, उसको शॉक से बचाता है, उसकी ग्रोथ में हेल्पफुल है। एलेंटोइस नेक्स्ट है। एलेंटोइस, एलेंटोइस क्या करता है? वेसल्स प्रोड्यूस करता है, ब्लड वेसल्स बनाता है प्लेसेंटा, फॉर प्लेसेंटा के लिए। योक्सैक, योक्सैक फॉर्म कॉर्पसल्स, ये लीवर टेक्स ओवर द फंक्शन। तो क्या बनाता है? कॉर्पसल्स बनाता है, जिससे लीवर क्या करता है? फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये देखो, ये क्या है? करियोनिक विलाई, ठीक है। इसके बारे में मैंने बताया, फिर मैंने आपको एलेंटोइस के बारे में भी बता दिया, योक सैक के बारे में भी बता दिया, ठीक है। ये सब स्ट्रक्चर है, इसमें चार जो आपकी मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट है बच्चे, एम्ब्रियो क्या होता है एंड फीटस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो एम्ब्रियो बच्चे वो स्टेज होती है जब ऑर्गेनोजेनेसिस नहीं हुई होती, उससे पहले, स्टार्ट होने से पहले। ऑर्गेनोजेनेसिस का मीनिंग है कि अब फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद बच्चे जाइगोट बना, तो अभी उसमें ऑर्गन बनने स्टार्ट नहीं हुए, ठीक है। जब ऑर्गन अभी स्टार्ट नहीं हुए, स्टार्ट होने से पहले की जो स्टेज होती है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, ठीक है। और ये वीक होता है बच्चे 8 वीक्स तक, अप टू 8 वीक्स तक आप एम्ब्रियो बोलते हो। द टर्म फीटस, फीटस तब यूज़ करते हैं, देयर आफ्टर अप टू बर्थ ऑफ बेबी, बेबी के बर्थ तक जो समय होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फीटस, बेबी के बर्थ तक जो समय होता है। नेक्स्ट आता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है? इट इज़ द फीटो मेटर्नल कनेक्टिव डेट सपोर्ट द फीटस ड्यूरिंग इट्स डिवेलपमेंट। तो जो प्लेसेंटा है वो क्या करता है? फीटस और मेटर्नल का कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब मदर से जो बेबी का कनेक्शन होता है प्लेसेंटा के थ्रू होता है, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट तक। फीटस इज़ कनेक्टेड टू प्लेसेंटा, फीटस जो होता है वो प्लेसेंटा से कनेक्ट होता है। एक लॉन्ग फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग होती है जिसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से प्लेसेंटा से फीटस अटैच होता है। द कॉर्ड इज़ मेनली फॉर्म्ड ऑफ एलेंटोइस, जो कोड बनी होती है किसकी बनी होती है? एलेंटोइस की, एंड इज़ कवर्ड बाय एमनियोटिक एपिथीलियम। इट हैज़ 2 आर्टरीज, इसके पास 2 आर्टरीज होती हैं फॉर कैरिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड 1 वेन फॉर कैरिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए, और वेन होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। प्लेसेंटा इज डिस्क शेप्ड, जो प्लेसेंटा होता है डिस्क शेप्ड का होता है, स्पॉन्जी से स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है, स्पॉन्जी स्ट्रक्चर होती है। कंसिस्टिंग ऑफ नंबर ऑफ करियोनिक विलाई, इसके पास बहुत सारे विलाईज पाए जाते हैं फ्रॉम द फीटस, एंड कम्प्लीमेंट्री डिप्रेशन फ्रॉम यूट्रस। द ब्लड ऑफ द फीटस एंड मदर आर वेरी नियर टू ईच अदर, जो ब्लड होता है फीटस का और मदर का एक दूसरे के बहुत नेड़े होता है। फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, वो आपस में मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं।
तो ये डायग्राम में बच्चे आप देख सकते हो, ये एम्ब्रियो है, ठीक है। एम्ब्रियो क्यों बोला गया, क्योंकि इसकी अभी ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गन्स बनने स्टार्ट नहीं हुए। ये योग सैक है, ये अम्बिलिकल कॉर्ड है जिससे वो प्लेसेंटा से अटैच है, जिसकी हेल्प से, ठीक है। तो ये कैविटी है यूट्रस की, यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो होता है। तो नेक्स्ट है आपका प्लेसेंटा एक्ट एज अ बैरियर, ये बैरियर की मतलब तरह भी काम करता है, एज वेल एज अल्ट्रा फिल्टर बिटवीन फीटस एंड मदर। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रंट्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज अगेंस्ट वेरियस टॉक्सिन्स एंड पैथोजेंस एंड ऑक्सीजन पास फ्रॉम मदर टू फीटस। बच्चे ये जो सब चीज़ें होती हैं, जो एंटीबॉडीज बनती हैं मदर की हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, कार्ब, सभी की जो एक्सचेंज होता है वो मदर से फीटस तक होता है। कहाँ से होता है, किसके हेल्प से, प्लेसेंटा की हेल्प से। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अदर वेस्ट ऑफ फीटस पास बैक इनटू मदर फॉर एलिमिनेशन। जो उसका वेस्ट होता है फीटस का, वो किसके थ्रू एलिमिनेट होता है, मदर के थ्रू। जर्म्स फ्रॉम मदर कैनॉट पास फ्रॉम मदर टू फीटस, जो जर्म्स होते हैं बच्चे मदर के, वो पास नहीं होते, मदर से फीटस तक नहीं जाते। सर्टेन वायरसेस एंड हार्मोन्स आर एक्सेप्शन, कुछ ऐसे होते हैं जो चले जाते हैं। प्लेसेंटा प्रोड्यूस अ नंबर ऑफ हार्मोन्स, प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। कौन से हार्मोन्स हैं, HCG, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, थायरोट्रोपिन, कॉर्टिकोट्रोपिन और सेक्टर। रिलैक्सिन सॉफ्ट प्यूबिक सिम्फेसिस एंड अलाउ यूट्रस टू एक्सपेंड सो एज टू अकोमोडेट डिवेलपिंग फिटस। तो जो होता है बच्चे रिलैक्सिन, वो क्या करता है, प्यूबिक को सॉफ्ट कर देता है और उसको एक्सपेंड होने में हेल्प करता है, ताकि जो फिटस है वो बाहर आ सके, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है ऑर्गेनोजेनेसिस, ये मैं आपको कल करवाऊंगी।